नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हरदोई। कासिमपुर पुलिस द्वारा चांदी के गहने के बंटवारे को लेकर हुई हत्या में वांछित चार अभियुक्त गिरफ्तार। हरदोई थाना कासिमपुर क्षेत्र के नन्नेलाल पुत्र स्वर्गीय रघुवर निवासी ग्राम जरहा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई ने लिखित सूचना दी कि अभियुक्त गढ़ों द्वारा चांदी के गहने के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें अभियुक्त ने उसे व उसकी पत्नी राज रानी को लाठी व डंडों से मारा तथा बचाने आई उसकी पुत्री तनु व मनु को भी लाठी डंडों से मारा पीटा गया, जिससे तनु के सिर पर चोट आ जाने से बेहोश हो गई तथा मनु को गंभीर चोटें आई थी, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में थाना कासिमपुर पर धारा 304, 308, 323 बाद भी बनाम सुशील पुत्र स्वर्गीय रघुवर, आकाश पुत्र स्वर्गीय लालता, कलावती पत्नी स्वर्गीय लालता शर्मा देवी पत्नी सुशील निवासी गढ़ ग्राम जरहाक थाना कासिमपुर जनपद हरदोई पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक हरदोई एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निर्देशन में तथा क्षेत्र अधिकारी संडीला के कुशल नेतृत्व थाना कासिमपुर पुलिस टीम द्वारा तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गढ़ सुशील पुत्र स्वर्गीय रघुवर, आकाश पुत्र स्वर्गीय लालता, कलावती पत्नी स्वर्गीय लालता शर्मा देवी पत्नी सुशील निवासी गढ़ ग्राम जरा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्त गढ़ों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कतील 3 अदद लाठी व डंडा बरामद किया गया। एक बुजुर्ग महिला की चांदी के जेवर के बंटवारे को लेकर के उनके 3 बेटों में झगड़ा हुआ, जिसमें नन्हे लाल की बेटी को दूसरे पक्ष ने मारा पीटा लाठी डंडों से। इसके बाद इसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ इसकी डेथ हो गई। इस संबंध में नन्हे लाल ने 4 लोगों के खिलाफ अपने भाई और अपने भतीजे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको जेल भेजा गया है। बरामदगी क्या है सर? इसमें जो लाठी जिससे मारपीट हुई थी उसको पुलिस ने बरामद किया है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।